राधे राधे स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है दिल्ली एस एकेडमी में। आज हम लोग देखने वाले हैं आधार सीरीज के अंतर्गत एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस के बारे में। अब एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, आप लोगों ने जनरली ऐसे सुना होगा कि इतना मतलब दवाई असर करना बंद कर दिया है, ठीक है। अब ये क्या होता है, अगर हम लोग कोई दवाई को बार बार हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या होता है, उसकी कुछ मात्रा ना हमारे शरीर में स्टोर होते जाती है और उसके कारण एक आदत बन जाती है। जैसे अगर एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, एक बच्चा जो है वो रोज अपने टीचर से मार खाता है। एक छोटे बच्चे के बारे में बात करें, बड़े बच्चे के बारे में बात नहीं करें, छोटा बच्चा है रोज मार खाता है तो उसको आदत हो गया, तो अगले दिन जब उसके टीचर उसको मारेंगे तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ सर तो मारते ही है, ऐसा वाला बात है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ ऐसा ही हमारे शरीर के साथ भी होता है, अगर हम लोग लगातार लगातार दवाइयाँ कंज्यूम करते जा रहे हैं तो एक टाइम के बाद क्या होता है, हमारे बॉडी में वो दवाई असर करना कम कर देता है और धीरे धीरे करके उसका असर खत्म होते जाता है। और असर खत्म होते होते अगर जब हम लोग को एकदम ज्यादा जरूरत रहेगी उस दवाई की, तब वो दवाई काम नहीं कर पाएगा। यही सिनेरियो क्रिएट होता है। इस सिनेरियो के कारण क्या होता है, बहुत सारी डेथ भी हो रही है। तो ये जो सिनेरियो है यही क्या है हमारा, ये जो हमारे जिस कारण से हो रहा है यही क्या कहलाता है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। मतलब जो सूक्ष्म जीव जो रहते हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ठीक है, एल्गी, ये सब के कारण ना, जो पैरासाइट्स हैं, ये इन सब के कारण जो हमारे पास जो हम लोग दवाई यूज कर रहे हैं इन सब का, तो अब लगातार लगातार हम लोग दवाई कंज्यूम करते करते हमारा बॉडी उस आदत हो गया है उसको और वो लड़ नहीं पा रहा है अब। तो यही क्षमता, ठीक है, हमारे शरीर की ये क्षमता जनरेट हो जाती है और जो कि जनरेट नहीं होनी चाहिए लेकिन जनरेट हो गई है, तो इसी को बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस या फिर रोगाणु रोध प्रतिरोध बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। अगर हम लोग इसके डेटा की बात करें जो कि हमारे प्री के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है और अगर मेंस में भी क्वेश्चन पूछता है तो यहाँ पर भी इन डेटा को हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं अभी वर्तमान समय में देखते हैं तो लगभग 7 लाख लोग, ठीक है, 7 लाख पीपल्स पर ईयर डेथ को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है, मर जा रहे हैं अभी पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वाइड, इंडिया की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड वाइड लगभग 7 लाख लोग इसी समस्या के कारण मर जा रहे हैं, क्योंकि वो दवाई खा रहे हैं जब उनको एकदम ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो गई ना तो दवाई काम करना बंद कर दिया। अभी समझेंगे उसको कि वो दवाई काम करना कैसे बंद करते हैं। तो ये जो अभी है हमारे पास अभी डेटा क्या है, 7 लाख तक का, और 10 मिलियन हो जाएगा कब तक, 2050 तक, ऐसा मतलब जो अनुमान है उस अनुमान के अकॉर्डिंग 2050 तक लगभग 10 मिलियन लोगों की मौत इसी के कारण होगी। अब इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है, अगर हम लोग कोई दवाई है हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे से हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके कारण हो रही है, WBC के कारण, वाइट ब्लड सेल्स के कारण हमारे बॉडी में किसी भी टाइप का बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगस है, ये सबसे लड़ने की क्षमता बनती है। लेकिन क्या हो रहा है, एक सिंपल से समझते हैं, एक वायरस इसके अंदर आया, ठीक, ये कोई लड़का है उसके अंदर वायरस एंटर किया। अब वायरस एंटर तो कर दिया और लड़ना किसको है, WBC को, लेकिन हम लोग क्या कर देते हैं, दवाई खा लेते हैं। दवाई जब खाते हैं ना तो जो WBC है ना, जब हमारे जो मेडिसिन के पार्टिकल्स आते हैं ना, वो लोग WBC को बोलते हैं कि भाई आराम कर, ठीक है, चिल मार, मैं काम कर लेता हूँ, ठीक है, आप आराम करो, ये काम मैं कर लेता हूँ, ऐसा वाला। तो यहाँ पर अब शरीर की रक्षा कौन कर रहा है, जो हम लोग दवाई कंज्यूम किए हैं वो, लगातार लगातार हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं और हर बार अब आराम कौन कर रहा है, WBC हर बार क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। अब एक टाइम के बाद ये लोग जो दवाई है ना हमारा, वो दवाई काम करना बंद कर देगा। अब क्या बोलेगा, अब WBC को लड़ना है, जो अब वायरस आएगा ना फिर से उससे अब किसको लड़ना है, WBC को लड़ना है। लेकिन अगर जैसे हम लोग लगातार लगातार मैथ्स बनाते रहते हैं, मैथ्स ट्रेनिंग बना रहे हैं, फिर कोई सभी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, लगातार जब तक हम लोग कंटिन्यू में रखते हैं ना तो हम लोग को चीज़ें याद रहती है, लेकिन जैसे ही छोड़ते हैं ना वो हम लोग पूरा भूल जाते हैं, आगे पार्ट पीछे सपाट हो जाते हैं। जैसे मैथ्स में भी, मैथ्स लगातार बनाते रहोगे तो मैथ्स बनते रहेगा, लेकिन अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर छोड़ दोगे मैथ्स बनाना तो मैथ्स बनाने में भी समस्या आ जाएगी मैथ्स वाले स्टूडेंट को भी। तो सिमिलर केस यहाँ पर भी होता है। WBC क्या करता है, WBC जिसका काम है ये, ठीक है, रोगाणु से रक्षा करना इसकी काम ही है, लेकिन अब क्या कर रहा है, क्योंकि ये बहुत टाइम से आराम कर रहा है इसलिए इसको काम करना भूल गया ये, ठीक। तो यहाँ पर ये काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, जो शरीर की अब जो क्षमता है, अब शरीर जो रोगाणु आएंगे इसके अंदर आएंगे तो वो उनसे लड़ नहीं पाएगा और
शरीर को इससे डैमेज हो जाएगा, ठीक ठाक डैमेज हो जाएगा, इसी कारण से लोग इतना इतना मर रहे हैं। अगर हम लोग और भी अलग अलग जगह का डेटा देखते हैं तो हम लोग को क्या क्या मिलता है, जो जीडीपी में इसके कारण जो नुकसान होगा वो कितना होगा, लगभग 2 से 3.5% तक का नुकसान ग्लोबल जीडीपी में नुकसान होने वाला है, ऐसा प्रेडिक्शन किया गया है। ठीक है, अगर लाइफ स्टॉक की बात करें तो कितना कम हो जाएगा, 3 से 8% तक इसमें कमी आ जाएगी। और कॉस्ट इसका कितना पड़ेगा, यूएस डॉलर में अगर देखते हैं तो 100 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है, 100 ट्रिलियन US डॉलर्स का नुकसान होने वाला है अगर आर्थिक रूप से हम लोग देखें। तो इस तरह से देख रहे हैं हम लोग, इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब इसके अंदर और भी क्या क्या चीज़ें छुपी हुई है उस चीज़ को समझते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या देखें, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, और एक और टर्मोलॉजी यूज होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, दोनों एक जैसा लगता है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हम लोग बात करते हैं एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस तो ये बैक्टीरियाज के लिए सेम सिनेरियो है, ये बैक्टीरिया को बस के अगेंस्ट बस ये जनरेट होता है रेसिस्टेंस, तो ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस है। लेकिन अगर उसमें इंक्लूड हो जाए वायरस, फंगी, पैरासाइट्स, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमारा एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस में काउंट हो जाएगा, बाकी है पूरा पूरा सेम। ठीक, अगर इससे नुकसान देखते हैं ये क्यों हो रहा है, ठीक क्यों हो रहा है, इसके पीछे ना बहुत सारे रीजंस हैं। जो मेन रीज़न है वो तो हमारे यहाँ जो हम लोग खाना खा रहे हैं ना, अभी जितना सारा हम लोग फूड हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं उसको उगाने के लिए बहुत सारे दवाई डले हुए हैं। अगर कोई भी जैसे धान का अगर खेती किया जाए, गेहूं का खेती की जाए, उसमें कीड़े तो लगते हैं और बीमारियां भी होती हैं, उन बीमारियों से लड़ने के लिए दवाई छिड़का जाता है। लेकिन अगर जितना दवाई छिड़कना है, जैसे अगर मान लेते हैं 200 यूनिट, मान लेते हैं 200 यूनिट छिड़कना चाहिए था, लेकिन अगर छिड़क रहे हैं 250, 300, 400 ऐसा अनिश्चित मात्रा में अगर छिड़काव किया जा रहा है तो वो एक्स्ट्रा मात्रा जो है ना वो शरीर में पहुंच जाएगा और वही क्या करता है, धीरे धीरे करके एक तो एक तरह से रेसिस्टेंस का काम करता है। ये पहला कौन सा केस है, जब हमारे खाने के थ्रू हम लोग के यहाँ हमारे बॉडी में एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बिल्ट हो रहा है। और अगर हम लोग एक और भी चीज़ देखते हैं, अगर हम लोग बार बार दवाई खा रहे हैं एकदम, मतलब देखो अगर डॉक्टर मतलब अगर प्रिस्क्राइब किए हैं सही तरीके से, क्योंकि डॉक्टर है वो इंटेलिजेंट पर्सन है, सोच समझ के दिया होगा, तो जितना खाने के लिए बोला गया है उतना अगर हम लोग खाते हैं तो ठीक है। लेकिन क्या होता है, हम लोग डॉक्टर मतलब जब हम लोग को ऐसा रहता है कि हाँ सर्दी खांसी तो है, तो हम लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं उसके लिए, और हम लोग दवाई का नाम नोट करके रखे रहते हैं और उसी दवाई का लिस्ट को हम लोग जाके दुकान से ले लेते हैं। इसलिए बोला जाता है कि डॉक्टर के सलाह के बिना कोई सभी दवाई कंज्यूम नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पैसा बचाते हैं और ऐसे ही करते हैं, तो हम लोग खुद डॉक्टर बन जाते हैं, इसलिए गड़बड़ी हो जाती है। ये सारे हमारे पास समस्याएं हम लोग को देखने को मिल रही हैं। अब एक मतलब दो और कॉन्सेप्ट है, उस चीज़ को भी समझते हैं जिससे हम लोग को समझ आएगा कि और ज़्यादा ये डीप में समझ आएगा। तो हमारे पास दो टर्मोलॉजी है, एक है बायो एक्यूमुलेशन और एक है बायो मैग्निफिकेशन, इन दोनों को समझते हैं। बायो एक्यूमुलेशन क्या होता है, अगर कोई चीज़ को हम लोग जो हमारे पास प्रदूषक हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट्स हैं या फिर जो हमारे शरीर के लिए सही नहीं है ऐसे तत्व अगर हम लोग कंज्यूम किए तो वो क्या होता है, हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, और कंज्यूम किए और स्टोर हो गया, स्टोर होते होते हमारे पूरे के पूरे शरीर में फैल गया, ठीक ठीक ठाक हमारे शरीर में उसकी मात्रा है। जैसे जो सिगरेट पीते हैं वो लोग क्या करते हैं, जब सिगरेट का जो कश रहता है ना तो उसमें कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो अंदर आते जाते हैं और वो हमारे फेफड़ों में जम जाते हैं और उस कारण से फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज सही से नहीं हो पाता है, इसलिए समस्या आ जाती है। उसके बाद फिर प्रॉब्लम जो हम लोग देखते हैं कैंसर के फॉर्म में, अलग अलग या फिर किसी और के फॉर्म में भी हम लोग को नजर आता है। तो समय के साथ क्या होता है, मात्रा जो है धीरे 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 करके बढ़ती जाती है। तो बढ़ते बढ़ते अगर एक ही व्यक्ति है, एक ही जीव है, उसके शरीर में अगर मात्रा लगातार लगातार बढ़ती जाए तो इसको बोलेंगे बायो एक्यूमुलेशन। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा जीव खा दिए जिसमें नेगेटिव हमारे पास जो हमारे पॉल्यूटेंट्स हैं वो किसी दूसरे शरीर में है, जैसे अगर हम लोग जो हम लोग खाना खा रहे हैं उस खाने में अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में दवाई डली हुई है और अलग अलग टाइप के वहाँ पर केमिकल्स उसमें डले हुए हैं, अगर हम लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं, पहले वो केमिकल्स किसके अंदर हैं, उस पौधे के अंदर हैं, लेकिन हम लोग उसको कंज्यूम कर लिए, हम लोग उसको खा लिए, तो वो जो पार्टिकल्स रहेंगे ना, जो केमिकल्स के पार्टिकल्स रहेंगे वो किसके शरीर में पहुंच जाएंगे, हमारे शरीर में, और हम लोग गए फिर जंगल में शेर खा गया हम लोग को।
तो वो हमारे से कहाँ पर पहुँच जाएगा, उस शेयर तक पहुँच जाएगा। तो ऐसे एक से दूसरे तक अगर एक खाद्य श्रृंखला के फॉर्म में अगर देखते हैं आगे बढ़ता जाता है प्रदूषक पॉल्यूटेंट या फिर नेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या हो, इसको क्या बोलते हैं, बायो मैग्निफिकेशन। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं छोटा जीव है उसको छोटी मछली खा रही, मछली को खा रहे, सील सील को खा गई वेल मछली। तो अल्टीमेटली यहाँ पर था हमारे पास पॉल्यूटेंट जो था वो स्टार्टिंग स्टेज में था और कहाँ तक पहुँच गया, वेल तक पहुँच गया, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं खाया था फिर भी यहाँ पहुँच गया, तो ये हमारे पास एक समस्या है। एक चीज़ और, एक और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट देखते हैं नैनो पार्टिकल्स का, ठीक है, नैनो प्लास्टिक का। एक्चुअल में जो यूरोप में बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज में ये सर्वे हुआ और रिसर्च साइंटिस्ट ये पता लगाए कि जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं उनके जो मिल्क है उसमें भी नैनो पार्टिकल्स पाए गए हैं, और वो भी कोई छोटा अमाउंट नहीं था, 75% महिलाओं में ये पाए गए थे नैनो प्लास्टिक। ठीक है, माता के दूध में कहाँ से आ गया नैनो प्लास्टिक, क्योंकि माता ने कुछ ऐसा कंज्यूम किया होगा जिसने खाया है, मतलब जो नैनो पार्टिकल्स हैं या फिर प्लास्टिक के कुछ पार्टिकल्स, जैसे वो एकदम सिंपल सा एग्जांपल है मछली, हम लोग समुद्र में बहुत सारा प्लास्टिक यहाँ से जमा कर रहे हैं मतलब फेंक रहे हैं, हम लोग के हिसाब से वो हम लोग वेस्ट कर दिए, वेस्ट हो गया तो फिर हम लोग उसको डस्टबिन बना के रखे जो हमारा समुद्र है उसको, तो वहाँ पर तो मछलियाँ हैं और मछलियाँ खा रही हैं, मछलियों को नहीं पता रहता ना, जैसे हमारे यहाँ गाय लोग को नहीं पता रहता कि वो लोग प्लास्टिक को खा रहे हैं ऐसे करके, वैसे ही मछलियों को भी नहीं पता कि वो लोग प्लास्टिक को खा रहे हैं, तो वो धीरे 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 करके छोटे छोटे मात्रा में खा जा रहे हैं। अब उन मछलियों को बड़ी मछलियाँ खाई, बड़ी मछलियों को हम लोग खा गए, तो अगर हम लोग खा दिए तो फिर वो जो प्लास्टिक के पार्टिकल्स हैं फिर से क्या होगा, हमारे शरीर तक पहुँच जाएगा, और ये बहुत ही बड़ा सीरियस कंसर्न है। और अगर हम लोग देखते हैं जो हमारे यहाँ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस का जो समस्या है वो बेसिकली किसके कारण है, बायो एक्यूमिलेशन के कारण है और बायो मैग्निफिकेशन, दोनों के कारण है। ठीक है, दोनों के कारण, इसलिए इसको समझना ज़रूरी था। ठीक है, तो इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो गवर्नमेंट का अगर हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चला रही है, ठीक है, नेशनल प्रोग्राम ऑन दी कंटेनमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। अब इसका मेन उद्देश्य क्या है, जो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस है उससे जो जो होने वाले नकारात्मक प्रभाव है उसके प्रति हम अवेयर हैं, और जो अवेयर नहीं है उनको अवेयर कराना, और इनके लिए मतलब जो अलग अलग हम लोग प्रोजेक्ट चलाएंगे, जैसे ठीक है सर्विलांस सिस्टम का हम लोग इस्टेब्लिशमेंट करेंगे 30 नेटवर्क लेबोरेटरी से। ठीक है, 30 लेबोरेटरी रहेंगी, उनको मतलब इंटीग्रेट करेंगे और उससे सर्विलांस करने वाले हैं, जनरेटिंग क्वालिटी ऑन डेटा ऑन AMR फॉर पैथोजेंस ऑफ पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस के लिए हम लोग ये सारे मतलब हर टाइप की हम लोग जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रेंथन करेंगे इन्फेक्शन कंट्रोल गाइडलाइंस को और प्रैक्टिसेस को। ठीक है, जो गाइडलाइंस है उनको हम लोग को देखिए, जहाँ जहाँ पर हम लोग को ऐसा लगता है कि हम लोग को सुधार करने की ज़रूरत है वो सारी जगह हम लोग सुधार करेंगे। ठीक है, जैसे पहले क्या होता था, हर चीज़ का विसर्जन किस में करते बोलते थे, जो नदी तालाब हैं, ठीक है, पूजा वूजा हुआ उसके बाद फिर कहाँ विसर्जन करेंगे, नदी में, तालाब में या फिर जो भी जलाशय क्षेत्र है वहाँ पर करते थे विसर्जन। लेकिन अभी गवर्नमेंट क्या गाइडलाइन देती है कि इसके लिए अलग से या तो क्या बोलते हैं हम लोग सरोवर बना लेंगे, पानी वाला मतलब ऐसे जलाशय बना देंगे, या फिर आप उसको अगर छोटा छोटा सामान छोटा साइज का है अगर तो उसको आप अपने घर में ही विसर्जित कर दीजिए। तो गवर्नमेंट क्या करी, गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है टाइम टाइम पे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट रहता है वैसा वैसा। तो ऐसे ही गवर्नमेंट अलग अलग यहाँ पर मतलब हमारे पास जो जो पॉसिबल मतलब संभव हमारे पास कार्य हैं वो सब करवाने का कोशिश कर रही है। ठीक है, मिसयूज़ को हम लोग को कंट्रोल करना है एंटी माइक्रोबियल्स का, जैसे हम लोग एंटीबायोटिक दवाई अक्सर देने के लिए बोलते हैं, हम जो डॉक्टर रहते हैं वो हमेशा देते हैं, लेकिन उसका भी उनको पता है भाई, वो इंटेलिजेंट पर्सन है, वो इसी चीज़ की पढ़ाई किए हैं, इसलिए वो एक सही मात्रा में देते हैं। लेकिन अगर हम लोग अपने जाग देंगे कि हाँ भैया एंटीबायोटिक का दवाई दे दो, अगर डॉक्टर बोल रहा है कि दिन में एक बार खाना है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो सुबह भी खा रहे हैं शाम को भी खा रहे हैं और ज़्यादा वो रख रहे हैं दोपहर में भी खा दे रहे हैं, तो ये सारी समस्याओं को हम लोग को अपने स्तर पर भी यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है, और उसके बाद ही ये हम लोग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस को इसे डील कर पाएंगे, अच्छे से लड़ पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब आपके पास एक मेंस का क्वेश्चन आएगा और एक प्री का क्वेश्चन आएगा, आप इनसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और आंसर को इसके कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।